पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। आज का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि हरियाणा की जो पहचान है वो मेरे हिसाब से तो आपके भी हिसाब से शायद चार पांच चीजों से। एक तो कि कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई थी, कृष्ण भगवान ने यहाँ पे उपदेश दिया था, गीता का संदेश दिया। दूसरा पानीपत जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे युद्ध हुए थे भाई। इसके अलावा हरियाणा के फौजी जो कि 2% हरियाणा की जनसंख्या है लेकिन 10% फौजी है हमारे हरियाणा। और चौथा हमारे प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो चाहे इंडिया लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आए चाहे देश के लेवल पे मेडल आते हो तो करीब 50% अकेले हरियाणा के मेडल आते हैं। अभी हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, मैं भी एक छोटा मोटा नेशनल लेवल इंटर ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर रहा हूं इसलिए मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा। हरियाणा गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि खिलाड़ियों का जो कोटा होता था 3% उसको खत्म कर दिया गया है। और उससे भी बड़ी बेशर्मी की बात यह है खुद मुख्यमंत्री महाराज झूठ बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कोई कोटा हमने खत्म नहीं किया। जो खेल मंत्री है ये शर्म की बात है, खेल मंत्री एक ओलंपियन होते हुए बहुत अच्छा खिलाड़ी हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं एज ए खेल मंत्री सॉरी एज ए खिलाड़ी, लेकिन एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बहुत ही घटिया डिसीजन उन्होंने लिया। हरियाणा की पहचान चाहे देश की बात है चाहे दुनिया में है वो खिलाड़ियों की है। और एक खिलाड़ी तैयार होने में भाई साहब 10 भैंस सिद्धी भाषा में आ रहा है 10 भैंस वीजा है 1,00,000 रुपए की एक भैंसा है। 4 लड़का IAS की कोचिंग करवा दे इतने में एक परिवार बर्बाद हो जाता है पूरा परिवार एक खिलाड़ी को पालने में। और सब ओलंपिक मेडल नहीं लेके आते, सब कॉमनवेल्थ मेडल या एशियाड में से मेडल नहीं लेके आते। सरकार ने क्या किया, सरकार कह रही है हम 1 साल में 1,00,000 नौकरी दें तो 5 सालों सरकार में तो 5,00,000 नौकरी देगी भाई। 3% कोटा तो 15,000 नौकरियां खिलाड़ियों को मिलती थी एज ए रूल। अब सरकार ने क्या किया है, ये नोटिफिकेशन है सरकार का, मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, मैं पटक एक बार आपको सुना दूं, आपको सुना इस नोटिफिकेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट को ये देके ना गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ये सर्विस 3 ब्रांच ने जारी कराया। इसमें इसने कहा है आई एम डायरेक्टेड इनवाइट योर अटेंशन गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन बेयरिंग इवन द नंबर डेट दे रखी 3/4/19 सब्जेक्ट सिटेड अबव एंड say that a wide notification dated issued the department sports and youth